हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नितिन व्लॉग्स। तो आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाली है एंड इस वीडियो में मैं बात करूंगा, जब आप इंडिया में पॉलिश एम्बेसी जाते हैं वर्क परमिट का इंटरव्यू के लिए, तो आपसे वहां पे कौन कौन से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं जब गया था तो मेरे से कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो में मैं इस बारे में बात करूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। एंड बट उससे पहले मेक श्योर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। इन फ्यूचर अगर आप मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें। एंड तो शुरू करते हैं। तो करना जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे, तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि आपका नेम ऑफ द एम्प्लॉयर क्या है, कौन सी कंपनी में आप काम करने जा रहे हो उसका नाम क्या है, और वो मतलब किस रिलेटेड वहाँ पे काम है आपका, वो कंपनी क्या करती है, कौन कौन से उसके क्लाइंट हैं, तो एंड उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशंस पूछी जाती है, और मेन जो पूछा जाता है कि आप पोलैंड क्यों जाना चाहते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं वहाँ पे। बट मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, बट मोस्टली ये काफ़ी रेयर होता है कि वो अगर कोई वर्क परमिट के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है तो वो आपसे कुछ पूछते हैं, क्योंकि जब मैं गया था वहाँ पे तो हमारा कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ था। मोस्टली वर्क परमिट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है वहाँ पे। आपका वर्क वीजा ड्यूरेशन कितना है एंड आप वहाँ पे स्टे कहाँ करोगे, तो ये सब जो चीजें होती है वर्क परमिट पे लिखी होती है। एंड आप जब वहाँ पे जाओ अपने पूरे रिसर्च करके कंपनी के बारे में, कंपनी का नेम, कौन सी कंपनी कहाँ पे, कौन सी सिटी में है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है कि मतलब बहुत रेयर होता है कि वो आपसे कुछ पूछें, क्योंकि वो जब आप डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स अपने आप वेरीफाई करके तो आपको वो बोल देते हैं कि आप जा सकते हैं। जब मैं गया था अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करके बाहर वेटिंग हॉल में वेट किया, एंड लेटर ऑन उन्होंने बोल दिया कि आप जा सकते हैं। मेरे साथ और भी चार पाँच जो लोग थे उन सबको बोल दिया उन्होंने जाने के लिए। बट दी ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चंस जो वहाँ पे पूछे जाते हैं। सो या गाइस, ये कुछ क्वेश्चन थे जो वो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, और अगर मोस्टली बट ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। मोस्टली वर्क परमिट के इंटरव्यू होते ही नहीं है, वो बाहर से मतलब डॉक्यूमेंट लेके आपको भेज देते हैं, आपकी टेंशन खत्म है। तो वीज़ा आपका पक्का है, और आफ्टर 21 डेज यू विल गेट योर वीज़ा एंड यू विल बी इन पोलैंड। सो ये जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी, एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस सब्सक्राइब माई चैनल एंड अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अगर आपको और कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट मेक श्योर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, खत्म।